पे आरटीपीसीआर करवानी थी आनी थी, तो यहाँ पे बहुत इजली मुझे आरटीपीसीआर भी हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने जो डीपीओज रखे हुए हैं वहाँ पे एक तो बहुत बड़ा भीड़ होता है, पूरा दिन वहाँ पे चला जाता है और रिपोर्ट भी सेम डे पे नहीं मिलती है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स में जाते हैं तो हमें ईजिली सेम डे पे रिपोर्ट भी मिलती है। प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा लोड है, प्राइवेट सेक्टर पे इसलिए ज़्यादा लोड है क्योंकि पेशेंट जो है वो प्राइवेट प्रेफर करता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन है वो जाना नहीं चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जब वो आते हैं वो रिजल्ट सेम डे मांगते हैं, तो उनको मैं मेहरबानी करके पेशेंट्स से भी ये कहता हूँ कि अगर वो आए कम से कम एक या दो जने ही ऊपर आए, दो बंदे साथ में आए या एक गाड़ी में रहे नीचे जिसका आरटीपीसीआर उसको करना है। और दूसरी बात, अगर ये पैंडेमिक हमें रोकना है, पेंडेमिक के बारे में सब लोग बोलते हैं, मेरे हिसाब से पेंडेमिक तब रुकेगा जब लैब वालों को अलाउ किया जाएगा कि हर एक लैब में आरटीपीसीआर या कलेक्शन हो या रैड टेस्ट, हर एक लैब को इजाज़त देनी चाहिए।